गुड मॉर्निंग ग्रेट वन, वेलकम टू योर टुडे सेशन। बच्चों, हमने इससे पहले की वीडियो में चैप्टर 8 चूहो म्याऊ सो रही है कविता से शब्द लिखकर उन शब्दों के अर्थ लिखे थे। आज हम इस चैप्टर से कुछ शब्द लिखेंगे और उन शब्दों से वाक्य निर्माण का अभ्यास करेंगे। चलिए, आप सबसे पहले अपनी हिंदी की नोटबुक पर आज की डेट मेंशन करेंगे। आज की डेट है 24/7/20। फिर क्लास वर्क लिखेंगे, चैप्टर 8 चूहो म्याऊ सो रही है। इसके बाद बच्चों, आप हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग है, निम्न शब्दों से वाक्य निर्माण कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं और इन शब्दों से वाक्य निर्माण किया है। चलिए, अब हम इन्हें पढ़कर अभ्यास करते हैं। बच्चों, जो मैंने पहला शब्द लिखा है वह है घर। घर शब्द से जो वाक्य निर्माण किया है वह है, मेरा घर बहुत सुंदर है। दूसरा शब्द है रसीले। रसीले शब्द से हमने जो वाक्य निर्माण किया है वह है, आम बहुत रसीले होते हैं। तीसरा शब्द है बिल्ली। बिल्ली शब्द से जो बच्चों हमने वाक्य निर्माण किया है वह है, बिल्ली एक पालतू जानवर है। चौथा शब्द है पूंछ। पूंछ शब्द से हमने जो वाक्य निर्माण किया है वह है, गाय की पूंछ लंबी होती है। पांचवा शब्द है पसारे। बच्चों, पसारे शब्द से हमने जो वाक्य निर्माण किया है वह है, बिल्ली आराम से पांव पसारे सोई थी। तो बच्चों, आज का आपका वर्क है, आपको अपनी हिंदी की नोटबुक पर साफ और सुंदर राइटिंग में शब्द लिखने हैं और फिर उन शब्दों से हमने जो वाक्य निर्माण किए हैं उन्हें लिखकर अभ्यास करना है। और हाँ बच्चों, आपको इन्हें याद भी करना है। ओके, थैंक यू।